बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर टीचर यासिर खान एंड यू आर वॉचिंग मी ऑन माई यूट्यूब चैनल लर्न विद खान। होपफुली यू ऑल विल बी फाइन, डूइंग वेल एंड लर्निंग फ्राम द वीडियोज़ दैट वी हैव अपलोडेड ऑन आर यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि कैलकुलेशन कैसी नहीं होनी चाहिए। इसके लिए मैं आपको वो शेयर करूंगा, एक लतीफ़ा आपके साथ शेयर करूंगा, एक बात आपके साथ शेयर करूंगा। पांच दोस्त जाते हैं गुरुद्वारा, वो अपने स्टॉप से, अपनी वो उस इलाके से जहाँ पे भी वो रहते हैं, वहाँ से गुरुद्वारे जाना होता है, तांगा लेते हैं, तांगे में बैठते हैं, बातें करते जा रहे होते हैं। एक उनमें से किराया पूछता है कोचवान से कि भाई कितना किराया है गुरुद्वारे का। वो कहता है, कोचवान बताता है कि 25 रुपये किराया। वो सोच में पड़ जाते हैं कि 25 रुपये तो टोटल इसने बता दिया है, तो अभी ये हमें इनफरादी तौर पर अकेले अकेले को कितना इसका किराया भरना पड़ेगा। तो एक उनमें से डरते डरते ऐसे ही पूछता उसे कि चाचा, ये जो किराया है वो आपने टोटल तो बता दिया है 25 रुपये, तो आप मुझे ये बता दो हमें कि वो हमें फर्दन इनफरादी तौर पर कितने देने पड़ेंगे। वो कहता है, बच्चे ये तो बात ही कोई नहीं है, लो मैं तुम्हें तकसीम काट देता हूँ। उसकी तकसीम कुछ इस तरह से, वो कहता है 25 रुपये टोटल है, 5 लोगों में तकसीम करने हैं, 5 × 1 = 5, तो 5 × 4 = 20। उसने कहा 14 × 14 रुपये आएंगे आपको। 25 रुपये टोटल हैं, 5 लोग 14 = 14, वो सोच में पड़ जाते हैं। ऐसे ही खैर मंजिल आ जाती है, गुरुद्वारे में उतरते हैं और 14 × 14 रुपये निकाल के उसे दे देते हैं कि ये लो जना। अब सोचते जा रहे हैं कि यार टोटल उसने 25 रुपये बनाए थे और जब हमने फर्दन लिए हैं तो उसने 14 × 14 रुपये मांग लिए हैं हमसे, 14 × 14 दे तो दिए हैं, और अब सोचते जा रहे हैं कि पता नहीं सही दिए हैं कि ठीक दिए हैं, क्या किया है, गलत दिए हैं, क्या हो गया। चलो एक उनसे कहता है कि कोई बात नहीं है, जाके गुरु से पूछ लेते हैं। जाते हैं गुरु के पास, जाके बैठते हैं और वो गुरु से एक कहता है कि हमारे साथ ऐसा हुआ है कि रास्ते में आ रहे थे, कोचवान ने 25 रुपये टोटल बताया तो हमसे 14 × 14 लिए हैं, तो पता नहीं ज़्यादा ही ना ले ली हूँ। गुरु उससे कहता है कि कोई बात नहीं है, ये कौन सी मुश्किल बात है, 14 × 14 लिए हैं आपसे, लो जमा कर लेते हैं। तो अब वो जमा क्या करता है, वो कहता है 14 × 14 लिए हैं, लो जमा कर लो, 4 × 4 = 8 और 4 = 12, 4 × 16 = 4 = 20, 21, 22, 23, 24 और 25। वो कहता है कि लो 25 रुपये ही बने, जितने बनते थे उतने ही लिए हैं, ज़्यादा नहीं लिए, ऐवें परेशान हो रहे हो। तो डियर स्टूडेंट्स, ऐसी कैलकुलेशन हरगिज़ नहीं होनी चाहिए। अकाउंटिंग के स्टूडेंट्स की ख़ास तौर पे कैलकुलेशन हरगज़ ऐसी नहीं होनी चाहिए। अगर आप ऐसी जमा तफरीक करेंगे, ऐसी ज़रब तकसीम करेंगे, तो फिर आप अपनी ऑर्गेनाइजेशंस को हिसाब किताब ठीक नहीं दे सकते, उनको उनके मुनाफे नुकसान सही नहीं बता सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि मेरे स्टूडेंट्स ये कैलकुलेशंस इस तरह से नहीं करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।